रतनवा हे राम प्रभु जी धाइले नरतनवा हे राम घरे हो घरे बाजे लगल अनाधन बजनवा हे राम घरे हो घरे बाजे लगल अनाधन बजनवा हे राम घरे हो घरे। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम पुरस्कार से संबंधित एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार के बारे में चर्चा किया। आइए एक छोटा टॉपिक पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो भारतीय कंपटीशन में आने की संभावना रहता है। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ कुछ भारतीय के नाम लिख चुके हैं जो भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा विशेष जानकारी ले लेंगे और इस वीडियो को एक दो बार और आप रिप्ले करके जब देख लीजिएगा तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक योगदान के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर के नाम से अमेरिका में यह प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार 1917 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। तो आइए देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार का प्रारंभ 1917 ईस्वी में हुआ। यह पुरस्कार अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यानी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता, रिपोर्टिंग, जनसेवा, कविता, लेखन इत्यादि कार्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगर हम देखें तो यह जो पुरस्कार है पत्रकारिता, लेखन, कविता, नाटक, जनसेवा इत्यादि के लिए दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉलिंग करेंगे और जिन जिन भारतीय को कब कब मिला है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो पुरस्कार यूएसए के द्वारा प्रदान किया जाता है यानी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता, लेखन, कविता, नाटक, जनसेवा इत्यादि के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहां तक हम समझते हैं कि आप सबों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब भारतीय कंपटीशन में यानी भारतीय प्रतियोगिता में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। कुछ भारतीय को हम यहाँ शॉर्टलिस्ट नाम किए हुए हैं जिनको यानी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए देखते हैं। पहला गोविंद बिहारी लाल जिसे 1937 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। वो पहला भारतीय गोविंद बिहारी लाल है जिसे 1937 ईस्वी में यानी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। सवाल पूछने का कैटेगरी यहाँ पूछ क्या सकता है, सवाल पूछेगा कि कौन से भारतीय को पहली बार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो गोविंद बिहारी लाल, यह पुरस्कार यानी गोविंद बिहारी लाल को कब मिला,
यानी पहली बार प्रिजल पुरस्कार कौन सा भारतीय को यानी गोविंद बिहारी लाल को कब दिया गया, तो ईस्वी पूछेगा तो 1937, या नाम पूछेगा या ईस्वी पूछेगा। इस पर अगर हम कंफर्म बना लेंगे तो प्रिजल पुरस्कार से आने वाला जो भी सवाल है वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अब झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी को 2000 में फिर बहुत लंबे समय तक भारतीय को इस पुरस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा और फिर जाकर 2000 ईस्वी में झुम्पा लाहिरी को यानी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद अगर हम देखें तो गीता आनंद, आइए हम देखते हैं तो गीता आनंद को जस्ट यानी 3 साल बाद। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला सबको याद रखता है फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कहीं भी अगर आप लोग देखिएगा तो पहला को सब कोई को याद रहता है, और इसे अगर पहला हम याद कर लें तो दूसरा तीसरा चौथा आराम से याद होगा। एक बार फिर से हम रिकॉलिंग करते हैं, गोविंद बिहारी लाल को प्लीजर पुरस्कार जो अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है वो ये पहले भारतीय के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें 1937 ईस्वी में प्लीजर पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर हम दूसरा देखें तो बहुत अरसे के बाद फिर थोड़ा सा लंबा टाइम लगा 2000 ईस्वी में झुम्पा लाहिरी को प्लीजर पुरस्कार से नवाजा गया। अगर इसके बाद देखें तो बस इससे 3 साल जस्ट बाद गीता आनंद को, 3 साल जस्ट बाद गीता आनंद को यानी 2003 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद अगर अगला देखते हैं तो सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 ईस्वी में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत सन 1917 ईस्वी में हुआ। अब इसके बाद जाने तो 2014 ईस्वी में विजय सेसारदी को यानी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये 5 अभी तक ऐसे भारतीय हैं जिन भारतीयों को यानी पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो आइए एक बार फिर से रिकॉलिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके विस्तृत बातें को एकदम याद कर लेते हैं और समझते हैं कि आज के बाद हम समझेंगे कि कभी नहीं भूलिएगा। आपको अगर ध्यान से एक दो बार आप सुन लीजिएगा तो फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। याद कीजिए, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत सन 1917 ईस्वी में अमेरिका देश के द्वारा किया गया। यह पत्रकारिता, लेखन, नाटक, जनसेवा इत्यादि कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो 5 ऐसे भारतीय अभी तक हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसी 5ों को हम यहां नाम लिखकर शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं और कब कब मिला है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी 1937 ईस्वी में गोविंद बिहारी लाल को ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद 2000 ईस्वी में झुम्पा लाहिरी को और 2003 ईस्वी में गीता आनंद को। अगर देखें तो ये दोनों का अंतर एकदम 3 है। फिर जस्ट चौथे और पांचवें में आते हैं, 2011 ईस्वी में सिद्धार्थ मुखर्जी को और 2014 ईस्वी में विजय सेसारदी को। किसी भी चीज को पढ़े उसके बाद एक दो बार अगर जस्ट हम रिकॉलिंग कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में इसके जो याद का जो क्षमता है बहुत ज्यादा समय तक बना रहता है। तो आज हम पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पढ़े। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जाइए लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।